जितिया व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। महिलाएं ये व्रत अपने संतान की स्वास्थ्य सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती है। इस दिन माताएं अपने संतान को कष्ट से बचाने और लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया व्रत कुछ जगहों पर जितिया व्रत और जित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कंचन और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए कहलाता है, दूसरा दिन जितिया निर्जला व्रत और तीसरे दिन यह व्रत का विधिनुसार पारण किया जाता है। व्रत को शुरू करने से पहले अलग अलग जगहों पर खान पान की अपनी अपनी परंपरा है। सनातन धर्म में पूजा पाठ में मांसाहार का सेवन करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इस व्रत की शुरुआत बिहार में कई जगहों पर मछली खाकर की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस परंपरा के पीछे जितिया व्रत की कथा में वन्य चील और सियार का होना माना जाता है। आगे वीडियो में जो जो पूजा के लिए सामग्री लगती है वो डिटेल में बताई गई है। खीरा है, इसको हम बेटा बनाए हैं। इसको हम इस तरह का एक कपड़ा लपेट के ये कपड़ा पहनाए हैं। इसको इसको हम लोग जहाँ हम पूजा करेंगे वहाँ पर लेटाएंगे इस बेटा को। और ये हम तागा रखे हैं, ये मैंने 2 कलर का तागा लिए हैं। ये तागा है, इसको पूजा के बाद सब बेटा बेटी लोग को पहनाया जाता है। और ये प्रसाद काट के रखे हैं, ये हम एकरी, इसको एकरी बोलते हैं। ये खीरा टुकड़ा है, ये सेब है, ये केला है, ये लड्डू है। फिर ये पूरा सारा सामान रखे हैं हम। ये सिंदूर है, यहाँ पर हम थोड़ा सा धुना भी रखे हैं, धूप धुना। ये अरवाचार है, ये चुनी है, ये वहाँ पर लगाया जाता है। ये हम प्रसाद रखे हैं, इसमें भी हम चना रखे हैं, फुलाया हुआ चना। और ये प्रसाद जो है काट कर रखे हैं। और ये हम चूड़ा रखे हैं, ये हम चावल रखे हैं, ये हम पंडित जी को दान करेंगे, ये भी चूड़ा है। और ये हम दिया रखने का ये वाला बनाए हैं, इसमें हम इस कोना कोना वाला दिया बनाने का ये रखने का दिए हैं। और ये बालू है। और यहाँ पर हम फूल रखे हैं, ये अगरबत्ती है, यहाँ पर हम फूल रखे हैं। और मेन तो ये है, ये जो ये देख रहे हैं, ये हम सियारिन और चील बनाए हैं। इसको भी हम, इसके लिए भी हम कपड़ा बनाए हैं, ये कपड़ा पहना रहे हैं। ये चील है, इसको भी हम कपड़ा इस तरह का ये ढक देते हैं, कपड़ा पहनाया जाता है। ये चील है और ये है सियारिन। ये सियार हमने बनाए हैं अपने हाथों से, ये मिट्टी के बनाए हैं। इस सियारिन का ये देखिए पूंछ ऊपर रहता है और ये चार पैर भी है, देख रहे हैं चार पैर भी है। ये इस पूजा का महत्व है, ये सियारिन और चील का ही कहानी है इसमें। ये पूजा बहुत, इस पूजा में बहुत आस्था है सभी लोगों का। और फिर इसको हम यहाँ पर रखेंगे और ये भी हम पूजा स्थान ले जाएंगे, जहाँ पर हमारा पूजा होगा वहाँ पर भी हम इसको ले जाके रखेंगे। अभी तो हम शास्त्रों में इस व्रत को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना व्रत में बहुत जरूरी होता है। व्रत के पहले दिन नहाए खाए में सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित माना जाता है, जिसका फल व्रती को नहीं मिलता है और परिणाम स्वरूप संतान को भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। नहाए खाए के दिन व्रती के परिजनों को भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। खासकर भोजन में लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का मांसाहारी भोजन खाना चाहिए। नहाए खाए के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गलती से भी नाखून नहीं कटवाने चाहिए। जितिया व्रत को परम पावक माना जाता है, इसलिए इस दौरान अशुद्ध और मलिन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस अवधि में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप युति के संतान को कष्ट होता है। इस व्रत में आपको इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी पर क्रोधित होना चाहिए। व्रत में झूठ बोलना पाप माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि झूठ बोलने से व्रत खंडित हो जाता है और व्रती को उसकी श्रद्धा का फल भी नहीं मिलता है।
इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होती है, जिसके कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। पूजा संपन्न होने के बाद सभी व्रती ट्रेडिशनल जीतिया सॉन्ग पे डांस करती हैं। भीतर जगा डाला हरे हरे जगा डाला हजार दारे पान मोती खावे।